मित्रों, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी के अध्यक्षता में हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव समिति की बैठक में उपस्थित थे। देश के वित्त मंत्री, देश के विदेश मंत्री, देश के गृह मंत्री और सभी चुनाव समिति के सदस्य इस बैठक में उपस्थित थे। बैठक में दिल्ली के होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशियों की चुनाव समिति ने चर्चा हुई और उस चर्चा के पश्चात चुनाव समिति ने सर्वसम्मति से जिन नामों को पारित किया है वह आपके सामने मैं रख रहा हूं। हमारे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री रहे, लंबे समय से विधायक हैं श्री जगदीश मुखी जी, वह जनकपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब जानते हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। उनको हम सबने तय किया है कि वह जनकपुरी से चुनाव लड़ेंगे। उसी तरीके से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री विजेंद्र, पहले थे पूर्व श्री विजेंद्र गुप्ता, वह रोहिणी सीट से चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली सीट से हमारे स्टूडेंट एक्टिविस्ट रही, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जिन्होंने LLM किया और साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट रही, ऐसी नुपुर शर्मा वह नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रही हैं। श्रीमती कृष्णा तीर्थ जो केंद्र में मंत्री रही, वह पटेल नगर सीट से उनको प्रत्याशी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ रही हैं। विनोद बिन्नी जो पूर्व में विधायक रहे, वह पड़पड़गंज सीट से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के 20 से अधिक प्रत्याशी युवा हैं, 5 महिलाएं हैं और समाज के सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन दिया है, ऐसी हमारी लिस्ट है। हमने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों को और सभी क्षेत्रों को ठीक प्रतिनिधित्व मिले। अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इज टू बी गिवन टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे दलित भाई जिनकी सीट रिजर्व सीट्स 12 हैं, उसके अलावा भी एक सीट हमने और दलित भाई को दी है। इस प्रकार से समाज के सभी वर्गों का हमने रिप्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया है। मैं अब आपके सामने लिस्ट पढ़ना चाहूँगा। सीट नंबर 1 नरेला, श्री नील दमन खत्री। सीट नंबर 2 असेंबली सीट नंबर 2 बुरारी, श्री गोपाल झा। सीट नंबर 3 तिमारपुर, श्रीमती रजनी अब्बी। हम सबको मालूम है कि आप हमारी मेयर रही हैं और एक्टिविस्ट हैं, लंबे समय से आपने काम किया है। सीट नंबर 4 आदर्श नगर, रामकृष्ण सिंगल बादली, हमारे युवा साथी हैं श्री राजेश यादव, युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। रिठाला श्री कुलवंत राणा, बवाना ये रिजर्व सीट है श्री गुगन सिंह, मुंडका मास्टर आजाद सिंह। सीट नंबर 9 किरारी, श्री अनिल झा। सुल्तानपुर माजरा जो रिजर्व सीट है, श्री प्रभुदयाल साई। नांगलोई जाट, श्री मनोज शौकीन। मंगोलपुरी रिजर्व सीट है, श्री सुरजीत। रोहिणी, जैसा मैंने बताया, श्री विजेंद्र गुप्ता। शालीमार बाग, ये भी हमारी दूसू की एक्टिविस्ट रही हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता। शकूर बस्ती सीट नंबर 15 डॉक्टर SC वत्स। त्रिनगर डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग।
सीट नंबर 17 वजीरपुर डॉक्टर महेंद्र नागपाल आप विधायक रहे हैं। सीट नंबर 18 मॉडल टाउन श्री विवेक गर्ग आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और बहुत एक्टिवली वहां एसोसिएटेड रहे हैं। सदर बाजार श्री प्रवीण जैन, चांदनी चौक श्री सुमन कुमार गुप्ता, मटिया महल श्री अंजुमन दहलवी, बल्ली मारन श्री श्याम मोरवाल, करोलबाग रिजर्व सीट है श्री योगेंद्र चांदोलिया, पटेल नगर रिजर्व सीट है श्रीमती कृष्णा तीर्थ, जैसा मैंने बताया पूर्व में मंत्री रही हैं, मोतीनगर श्री सुभाष सचदेवा, मादीपुर श्री राजकुमार फुलवारिया, तिलक नगर श्री राजीव बब्बर, जनकपुरी जैसा मैंने बताया श्री जगदीश मुखी, उत्तम नगर श्री पवन शर्मा, द्वारका श्री प्रद्युम्न राजपूत, मटियाला श्री राजेश गहलोत, नजफगढ़ श्री अजीत खरखरी, ब्रिजवासन श्री सतप्रकाश राणा, पालम श्री धर्मदेव सोलंकी, दिल्ली कैंट श्री करण सिंह तंवर, राजेंद्र नगर श्री आरपी सिंह, न्यू दिल्ली जैसा मैंने बताया मिस नुपुर शर्मा, जंगपुरा श्री एमएस धीर, कस्तूरबा नगर रविंद्र चौधरी, आरकेपुरम श्री अनिल शर्मा, छतरपुर श्री ब्रह्म सिंह तंवर, देवली रिजर्व सीट है श्री अरविंद कुमार, अंबेडकर नगर रिजर्व सीट है श्री अशोक चौहान, संगम विहार श्री एचसीएल गुप्ता, डॉक्टर श्री एचसीएल गुप्ता, संगम तुगलकाबाद श्री विक्रम विदुरी, बदरपुर श्री रामवीर विदुरी, ओखला श्री ब्रह्म सिंह विदुरी, त्रिलोकपुरी श्रीमती किरण वैद्य, किरण सुनील वैद्य, कुंडली श्री हुकुम सिंह, पड़पड़गंज श्री विनोद कुमार बिन्नी, लक्ष्मीनगर श्री बीबी त्यागी, विश्वासनगर श्री ओपी शर्मा, कृष्णानगर जैसा मैंने बताया, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया हमारे चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट श्रीमती किरण बेदी, गांधीनगर जितेंद्र चौधरी, सीमापुरी श्री करमवीर चंदेल, रोहतास नगर श्री जितेंद्र महाजन, सीलमपुर श्री संजय जैन, गोंडा श्री साहेब सिंह चौहान, बाबरपुर श्री नरेश गौड़, गोकलपुर श्री रंजीत कश्यप, मुस्तफाबाद श्री जगदीश प्रधान, करावाल नगर श्री मोहन सिंह बिष्ट। इस तरीके से हम लोगों ने 62 सीटों का आज घोषणा की है, शेष 8 सीटें जो हैं उनकी घोषणा आगे कर दी जाएगी, जो हमारी बातचीत चल रही है उसके कारण उन सीटों को अभी रोका है और उसके बाद उसको भी घोषित कर दिया जाएगा। वही उसी वार्ता के लिए बाकी सीटें छोड़ी हैं। सतीश उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके नेतृत्व में आपकी जिम्मेवारी में सारा संगठन चुनाव में उतरा है और ये जो जिम्मेवारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे अध्यक्ष पद की का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा स्थान है और वह सबको चुनाव लड़ाएंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव संगठन लड़ रहा है और इसलिए संगठन का सारा बागडोर वो संभालेंगे और संगठन को एक चुनाव के दृष्टि से जो उसको साकार करते हुए सक्सेस करना है और सरकार में लाना है उस काम की जिम्मेवारी श्री सतीश उपाध्याय जी। मैंने फिर कहा आपको चुनाव समिति के तहत जिन नामों की चर्चा हुई और तय हुआ वो आपके सामने मैंने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।